तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ। वो उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर्स नए नए आए हुए थे। गया मैं तो देखा, मुझे लगा तो अजीब ही था, तो वहाँ देखने को डेस्कटॉप था इसके पास, एक कीबोर्ड था, वो खाली कमरा था, एक माइक पकड़ा दिया इसने। अगर ऐसे कैसे होगा, मैं दिमाग में कुछ और लेके चला था कि प्लेबैक सिंगिंग का तो कुछ और सेटअप है। आप दोनों की जोड़ी जो कि इतनी हिट जोड़ी है, मतलब जब भी स्क्रीन पे आती है तो अलग ही वाइब क्रिएट कर देती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब। सो जो आपकी जोड़ी है ये कैसे बनी? जोड़ी रब ने मिलाई जोड़ी। अब इसके बाद वो आगे वाली लाइन तो मैं बोलूंगा नहीं तो, लेकिन कोइंसिडेंस था। अब थोड़े रिलेशन में भी आते हैं, एक ही लोकेलिटी के हैं ये। म्यूजिक के लाइन में, म्यूजिक के क्षेत्र में ये बॉम्बे गया हुआ था, कुछ सीखने की ललक थी इसमें, और ये गया हुआ था। ये जब वापिस आया तो आना तो नहीं था इसने, पर शायद नियति को कुछ और मंजूर था, इसको वापिस ले आया, कुछ इसको प्रॉब्लम हो गई थी, जोड़ी बन गई। हाँ, जोड़ी बननी थी, वही सही बात है। ये आया तो मेरे को कॉल आई इसके एल्डर ब्रदर की, तो कि भाई ऐसे ऐसे जॉनी आया हुआ यार, तू कुछ आ जा उसको गाइड कर। मैं बोला यार मैं को गाइड करने वाला कौन हूँ, उसको मेरे को तो ABCD पता नहीं है। नहीं नहीं यार, तू थोड़ी पूरी सिंगिंग कर लेता। मैं बोला यार नहीं, मैं सिंगर भी इतना नहीं हूँ। नहीं नहीं, तू आ जा एक बार। उसने मेरे को कंपेल किया, प्रेशर राइज किया, तो मैं इनके गांव चला गया, वहां इसने सेटअप लगाया हुआ था, तो इसने बिठा दिया मुझे चेयर पर। वो उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर्स नए नए आए हुए थे। गया मैं तो देखा, मुझे लगा तो अजीब ही था, तो वहाँ देखने को डेस्कटॉप था इसके पास, एक कीबोर्ड था, वो खाली कमरा था, एक माइक पकड़ा दिया इसने। बोला ऐसे कैसे होगा, मैं दिमाग में कुछ और लेके चला था कि प्लेबैक सिंगिंग का तो कुछ और सेटअप है। बोला नहीं आप अपने दिमाग में क्या लेके चले थे कि भाई होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले लेना देना, तो वो कुछ भी नहीं था। होता था ना जैसे ढोलक वाला भी चाहिए, कीबोर्ड वाला, हारमोनियम वाला, चलो कीबोर्ड भी मेरे दिमाग में कम था, हारमोनियम वाला जो कुछ भी है। एक बात बोलूं, जो आप बात बता रहे हो ना, ये मैं किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, आशा जी गई पहली बार रहमान सर के स्टूडियो में, तो बोले मैं देख के चौंक गई, एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब उनको रहमान साहब बैठे हुए हैं, एक कंप्यूटर सामने लगा पड़ा है, एक कीबोर्ड साइड में है और बाकी कुछ नहीं। हाँ। मुझे आदत ही नहीं थी ये सब, मुझे तो था कि पूरा एक लाइव और वो सब, और उसने बोला कि गाओ। हाँ, उन्होंने बोला कि गाओ, एंड देन ट्रैक रेडी पड़ा हुआ था और उस तरीके से। बस वही मेरा हाल था, क्योंकि मैं स्टेज करता था बचपन से ही, स्टेज ऊपर वाले ने दिया था, तो मुझे वहाँ कम से कम ढोलक बजाने वाला होता था, तो उसके पास तो वो भी नहीं था। तो चलो इसने वो मेरे हेडफोन लगा दिया, उसमें आ गया म्यूजिक, फिर उसमें वो सिंगिंग डिफरेंट है, लाइव सिंगिंग से टोटली डिफरेंट है। फिर उसमें रुकना है, उस गैप में बीच में गाना है सिंगर के लिए, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई, और सेम डे में इसने मेरे से पहला फोक सॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। वो था हमारे लॉल एंड स्पीति का फोक सॉन्ग। आप दो लाइनें गाएंगे उसकी? कौन सा था वो? तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ, तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ, ना 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 ना। बहुत बढ़िया, बहुत। आप सुनो इसको, उस वक्त में रिकॉर्ड हुआ था तो खुद को ही गाने में मजा आ गया सुनने, रिपीट कर करके अपने को सुना, अपने को सुनता कौन है वैसे। उसके बाद तो नहीं, बहुत कम सुना मैंने, मगर वो क्योंकि कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग थी, मुझे लगा यार ये तो अच्छा है। फिर बस वैसे वहाँ से हमारा मिलना शुरू हुआ, फिर लगा कि अब तो आना पड़ेगा यहाँ। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये बिजी होते थे, फिर मैं कुल्लू आ गया था। आप रहते थे उस टाइम पे? मनाली में ही, वशिष्ट गाँव में अपने। फिर मैं कुल्लू शिफ्ट किया था स्टूडियो, फिर हमने वहाँ पर जो मूवीज वगैरह बनी हमारी, फिर वो वहाँ पर हमने काम। अच्छा,